बंदा बताइए बहुत सारी बहुत बुरा लगा आज आज मैं मिले पवन पहाड़ी और पवन पहाड़ी का रिएक्शन ऐसा था कि हमारी वीडियो मत बनाओ भाई, मैं तेरी वीडियो नहीं बना रहा था, मैं तुमको मिल रहा था और तुमको एक वीडियो ऐसी बना रहा था कि भाई तुम्हें बधाई है, तुम्हें थैंक्स देता शादी के लिए। और तुम ये मत सोचो कि यार हम तुम्हें ऐसा सोचते हो कि हम बड़े आदमी बन चुके हैं और ये हमारे साथ फोटो खींच रहे हो वीडियो खींच रहे हो। भाई मैं वीडियो तेल लेने बना रहा था, मैं खाली तेरे को बधाई देने के लिए वीडियो बना रहा था। और एक बात बताऊँ, इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए भाई कि तुम इतने। सबसे पहले आप सभी को मेरे प्यार में नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, तो स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज हमारे ब्लॉग में है योगी, मिल चुके हैं पवन पहाड़ी, अब उनसे मिलने जा रहे हैं हम, ठीक है, और उनको बधाई देने जा रहे हैं प्रदीप और मैं। मिलाने वाला हूँ पवन पहाड़ी से, ठीक है, बोंदा बधाई है बहुत सारी। तो बड़ा भाई मान के ये गया था, उस भाई के लिए तो इसने 100 रुपए का तेल फूका था, उस भाई ने उस तेल का भी वो नहीं रखा इज्जत तेल की भी इज्जत नहीं रखी ना इस भाई की इज्जत रखी, एक भाइयों में होता है। और से तो इस टाइप में अभी योगी बताएंगे आपको, परसों पवन पहाड़ी मिले थे हमें, तो उनका कैसा रूड बिहेव रहा आप सबको बताते हैं हम, और अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे कि एकदम ही बंदे का जो रूड बिहेव है कैसा है। 2 साल पहले हमने उस बंदे को देखा था, तो बंदा मतलब बहुत ही मतलब ठीक था, अब जैसे ही उसके सब्सक्राइब बनने लग गए, जैसे बंदा छोटे से एकदम ऊपर बढ़ गया ना, तो समझता कि जो छोटे बंदे हैं उनको मुँह नहीं लगाऊँ। यार एक बात बताऊँ ना, हम भी तुम्हारे फैन हैं, फैन थे, अब है नहीं तो फैन थे, तो यार हम आपसे मिलने आए थे। हम भी जैसे कोई भी बंदा ब्लॉग बनाता है उसका कैमरा तो उसके सामने ही रहेगा, वो किसी को भी शूट कर सकता है किसी को भी नहीं, या तुम एकदम बोल सकते हो भाई अपना ब्लॉग नीचे कर, या तुम मतलब इस टाइप से मतलब तुम्हारा जो रूड बिहेव दिखा ना बहुत ही बेकार दिखा। बात और याद रखना, अगर आप घर में अपनी अच्छाई दिखाते हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, अपने गाँव में ऐसा दिखाते हो ना, तो थोड़ा बाहर भी अपनी अच्छाई दिखाओ। घर में रह के कोई अच्छा नहीं बन सकता है, बाहर निकलो और उसके बाद जो प्यार मोहब्बत होता है ना, अगर तुमने वो नहीं बांटा तो तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं बांटा भाई। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरे दिल पे बहुत बड़ी बात लगी उस दिन, मेरे को इतना गुस्सा आया सच में, मैंने उसी टाइम उसी दिन तुम्हें अनसब्सक्राइब कर दिया, और मेरे को इतना गुस्सा आया ना तुम्हें देख के कसम से, एकदम ही मैं इतना दूर से भाग के आया यार, मैं इतना दूर से भाग के आया ना, अपने बाइक रोकी, मैंने अपने सब सस्पेंस बता रखे कि कैसे हुआ क्या हुआ, तुमने एकदम ही बोल दिया कि ब्लॉग नहीं सीखा, दिल पर लग गया कसम से। तो इसी वजह से मैंने अपने ब्लॉग बनाया। तो ध्यान रखना, अगली बार से अगर आपको कोई सब्सक्राइबर मिले या कोई लड़का मिले, कुछ भी मिले, तो उसको जरा प्यार से बात करना और अच्छे से इसका वीडियो बना लेना, आपका कुछ नहीं जाएगा और आपकी इज्जत करेंगे लोग, मैं तो इज्जत नहीं करूँगा, इतना ही बोलूँगा। एक बात याद रखना, मजाक तुम सबके साथ करते हो, मैं तुम्हारे ब्लॉग देखा, लोगों के साथ मजाक करते हो, दूसरों के साथ मजाक करते हो, उसके साथ मजाक करते हो, जब अपनी बारी आती है ना तो मतलब आदमी एकदम सोचता कि कोई मेरा ब्लॉग बना रहा है कुछ बना रहा है, मैं छोटा हो जाऊँगा, या तुम ना बहुत छोटे हो। सोच बड़ी रखने से आदमी बड़ा नहीं होता भाई, आदमी जो बंदा छोटे से ना ऊपर हो जाता है, और जब बंदे को उठा के जाता है ना, कंधे से कंधे में लग जाता है, हाथ से हाथ लग जाता है ना, वही बंदा सबसे बड़ा होता है, पहली बात। और मैंने तो भाई तेरे को अनसब्सक्राइब कर दिया, अब मेरा कोई ब्लॉग देखना तेरा ब्लॉग देखना तो इंटरेस्टिंग भी लगता है, जब से तूने मेरा रूड बिहेव किया। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेंद्र और मैं इस भाई का दोस्त हूँ, हम अभी तो अल्मोड़े में है, जैसे कि भाई ने बताया अभी जो भी हुआ इसके साथ परसों, हम जा रहे थे सभी ठोकाना वाटरफॉल जा रहे थे, ऐसी लौंडे मोंडे आ रखे हैं, ये भी आ रखा है, ये दिल्ली रहता है जॉब वॉब करता है, तो भाई इधर आ रखा है ब्लॉग व्लॉग शूट कर रहा है पहाड़ में, तो हम जा रहे थे ऐसे ही, हम तो पीछे गाड़ी में थे, इस भाई ने बताया दो तीन जने बाइक में जा रहे थे, तो इनको मिला वो पवन पहाड़ी जो भी है, मैं तो नहीं जानता उसे, मैंने ना उसके ब्लॉग देखे थे, मुझे उसके बारे में पता भी नहीं है, इस भाई ने बताया कि वो पवन पहाड़ी है, पिथौरागढ़ का है, जहाँ का भी है जो भी है, तो ये भाई मतलब बड़ी मोहब्बत से ये जा रहे थे, वो उस साइड से आ रहा था हल्द्वानी साइड से, पता नहीं कहाँ से आ रहा था, तो इस ये भाई ने देख लिया उसे एकदम ही, और ये मिले उनसे, तो ये मिले भी क्या मतलब, ये जा रहे थे उस साइड को, हम जा रहे थे सभी साथ में ही जा रहे थे, तो ये भाई ने देखा उसे, तो इन्होंने गाड़ी घुमाई, मतलब उनको उनके पीछे काफ़ी दूर तक गए, 1 किलोमीटर कितने 1 किलोमीटर वापस आए ना, 1 किलोमीटर से वापस आए, मतलब उनके पीछे पीछे आए थे, फिर उनसे उन्हें रोका इन्होंने, तो थोड़ा बातचीत करने के लिए, कोई फ़ैन होता है कि फ़ैन फॉलोइंग होती है किसी की, थोड़ा ऊपर उठ जाए कि शादी भी हो रही है उसकी, तो उसका बिहेवियर एकदम ही चेंज हो गया, तो मतलब जो भी है ऐसा नहीं करना चाहिए भाई,
जो भी है अब मतलब ये ब्लॉग अपलोड होने के बाद भाई को थोड़ा मतलब गुस्सा भी आएगा जो भी होगा, पर भाई जो रियलिटी है वो रियलिटी है। तुम मतलब कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो एकदम से उठ जाता है। हाँ माना कि हर कोई छोटा ही यूट्यूबर होता है, कोई करोड़ों लेके नहीं आता है पेट से, वो बोलते हैं ना हर कुछ सीख के नहीं आता है, बाहर आके ही सीखता है। तो वही ये भाई का भी है। तो भाई मतलब ये भी अभी अभी इसका चैनल इसने शुरू किया है, तो ये भाई मतलब होता है ना कोई किसी से इंस्पायर होता है। तो ये भी मतलब उस भाई से मिलने गया था, उसने भी मतलब ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था इसके साथ, रूड बिहेव किया उसने, बहुत ही रूड बिहेव किया। बोल रहा था कि अभी वो तो बाद में अभी ये वो क्लिप डाल देगा जो क्लिप उसने बना रखी थी, तो वो डाल देगा उसके उससे सब पता चल जाएगा आप लोगों को। मतलब तरीके से बोला, वो तरीका उसका गलत था, बोलना उसका सही था। हाँ वो होता है कि यार हम किसी के मतलब परमिशन के बिना उसकी वीडियो नहीं बना सकते, ब्लॉग शूट नहीं कर सकते उसका। हाँ वो प्यार से बोल सकता था, पर उसका तरीका गलत था बोलने का। बोला उसने सही, पर उसका तरीका थोड़ा अलग था और गलत था। और जो भी है, बाकी आप अभी ये ब्लॉग पूरा देखना, बड़ा मज़ेदार होने वाला है। जो जो भाई ने बोला और जो भाई के साथ हुआ, भाई कहाँ से वापस आया था, कितना वापस आया था, सब दिखाएंगे। बस सामने ही रहेगा, वो किसी को भी शूट कर सकता है, किसी को भी नहीं। या तुम एकदम बोल सकते हो भाई अपना ब्लॉग नीचे कर, या तुम मतलब इस टाइप से मतलब तुम्हारा जो रूड बिहेव दिखा ना, बहुत ही बेकार दिखा हमने। अरे एकदम ही अपने सब्सक्राइबर को तुम ऐसे ही बोल दोगे, आपने तुम से भी बड़े बड़े सब्सक्राइबर हैं, जैसे आप यूके 07 देख लो और कोई भी ब्लॉगर देख लो, उनको देखो देख उनसे सीखना भी चाहिए कि अपने सब्सक्राइबर से कैसे मिलते हैं। तुम एकदम ही मतलब ऐसे कर देते हो यार, जैसे कोई इमेज ही नहीं है साला। योगी जी कुछ बोलना चाहोगे आप?